रनिंग के बाद आपको क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए और किन चीजों से आपको परहेज करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और ओनर। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं 5 से 6 आपको ऐसी चीजें जो आपको सेहत के लिए आपके लिए फायदेमंद रहने वाले, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी रनिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, उस हिसाब से आपके लिए डाइट भी इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। उस चीज में आपको कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो आप जितनी भी मेहनत करो, जितनी भी आपने मेहनत की है, उस पूरी मेहनत पर आपका पानी फिर जाएगा। तो मेरे भाइयों, रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट भी लेना जरूरी है, क्या क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केला यानी बनाना। बनाना एक ऐसी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और आपको तुरंत एनर्जी देता है। जैसे रनिंग के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में आपको एक या दो या तीन केले, आपको मिनिमम 2 केले आप खा सकते हो। अब उसमें कई बंदे बोलेंगे सर हम तो मोटे हैं, केले कैसे खाएं। तो भाई आप रनिंग कर रहे हो तो आप 2 केले आराम से, मोटा बंदा भी, जो ओवरवेट बंदा है वो भी खा सकता है, और जो पतला है यानी जिसकी हेल्दी शरीर है वो 3-4 केले भी खा सकता है। तो केला आपको कार्बोहाइड्रेट देता है और तुरंत आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो इसलिए अपने डेली रूटीन में केले का आप सेवन कर सकते हैं। अब गांव वाले कई बंदे बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो डेली हम केला नहीं ला सकते। कोई बात नहीं है, केला नहीं है तो आप आलू होता है, आलू जो बॉईल करके उसको भी खा सकते हो, जिनको डेली केले अवेलेबल नहीं हो पाते। नंबर 2 पे हम लेते हैं संतरा। तो संतरा क्या होता है, 20-25-30 रुपए केजी अवेलेबल मार्केट में हो जाता है, या इससे सस्ता है, कहीं जगह इससे महंगा भी हो सकता है, वो आपके इलाके के हिसाब से। तो संतरे के अंदर क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो आप संतरे का इस्तेमाल करें, उसको फली खा सकते हैं उसका, या आप उसका जूस बना के पी सकते हैं, जैसे आपको, जैसे आपके पास सुविधा है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा इसी के अंदर, जिन भाइयों को बहनों को मैंने देखा है दौड़ते समय कईयों को चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उनके लिए संतरा बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो आप संतरे का इस्तेमाल करिए, चाहे जूस के साथ करिए, चाहे आप उसको वैसे छील के वैसे खा लीजिए, जैसा आपके पास अवेलेबल है। और इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि जिन बंदों को उल्टी आती है या दौड़ते समय चक्कर आती है, उसके ऊपर स्पेशली एक मैं वीडियो बना दूंगा। नंबर 3 पे लेते हैं दही। हर घर में अवेलेबल हो जाता है दही। तो दही से क्या होता है, दही खाने से क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियों के निर्माण में यानी मांसपेशियों को बनाने में दही मदद करता है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, प्रोटीन की वजह से क्या होता है, आपकी मांसपेशियां जल्दी इसमें रिकवर करता है। और नेक्स्ट होता है इसके अंदर कैल्शियम। अब आपको पता है कैल्शियम हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट होता है, तो आपका दही क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम होने की वजह से। तो आप अब दही कब खाएं, इसके लिए मैं अपनी राय देना चाहता हूं। मेरे हिसाब से दही आप दोपहर में खा सकते हैं, सुबह आप दूध पिए, शाम को आप दूध पीजिए, और दोपहर के अंदर आपको दही, मट्ठा, छाछ, जो भी आपके पास अवेलेबल है दोपहर का, जो आप लंच करते हो या दोपहर का खाना खाते हो, उसके साथ आप दही ले सकते हो। अब बाकी कुछ बोलेंगे भाई सर्दी हो रही है, तो जिनको लग रहा है दही खाने से सर्दी जुकाम होता है, वो बंदा दही नहीं खाए। लेकिन मैं अपना बता रहा हूं, मैं चाहे यहां हो, चाहे फौज में था, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मेरा दही फेवरेट है और मैं दही कंटिन्यू खाता रहता हूं। कुछ कुछ बंदे मैंने देखा दही से परहेज करते हैं, तो नहीं खाना है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको जबरदस्ती दही खाना ही है, आपका दिल नहीं मानता है, सर्दियां आ रही है तो आप दही नहीं खाना, लेकिन जिनकी इच्छा होती है तो वो दही खा सकते हैं। दही से मैंने बता दिया मांसपेशियां रिकवर करती है, इसमें मांसपेशियां बनती है और कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 4 पे मैं आपको बताना चाहूंगा अंडा। अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स में से एक है। एक कहावत भी सुनी होगी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो आप अंडे खा सकते हो। फौज में हम, मैं एक आपको बताना चाहूंगा, इसमें कुछ बंदों की भ्रांति है कि ये सर नॉन वेज में आता है या वेज में आता है। फौज के अंदर हमारे पास जब जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था तो वहां ड्राई अंडे आते थे, मतलब उसके डब्बे के अंदर आते थे, उसमें ग्रीन का एक सिंबल रहता है। नॉन वेज होगा उसमें रेड का सिंबल रहेगा, और जो वेज आता है उसमें एक ग्रीन का सिंबल रहता है। तो हमारे पास जो अंडे आते थे, जो हमारे खाने के लिए लंगर में, किचन में आते थे, उसमें ग्रीन का सिंबल रहता था, तो इसका मतलब है अंडा वेजिटेरियन होता है। तो आप अंडे खा सकते हो। और दूसरा मैं आपको, मेरे कई भाइयों को बताना चाहूंगा कि आप ये, मतलब रनिंग के साथ साथ डाइट लेना आपको जरूरी है। घर में आप चलो वेज नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन अंडा वगैरह ऐसी है आप कंटिन्यू रेगुलर रखिए। एक जो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना गया है, इसके अंदर क्या होती है, स्वस्थ वसा रहती है, मिनरल्स रहते हैं, विटामिन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से फायदेमंद है। तो इसलिए आप अंडे का इस्तेमाल कर दीजिए, बॉइल्ड अंडा खा सकते हैं। अब उसके अंदर अंडे की मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अंडे के अंदर जो एक वाइट होता है, एक अंदर होता है जो पीला पीला आता है, जिसका ज्यादा वेट, उसमें क्या वसा ज्यादा होती है, तो पीले वाला हिस्सा जो ओवर वेट बंदा वो नहीं खाए, ओनली सफेद वाला हिस्सा ही खाए, और बाकी जैसे नॉर्मल स्वस्थ उनका जो वजन है सही है और खूब मेहनत करें, वो पूरा अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वैसे भी अभी सर्दी आ रही है तो कई मेरे भाई देसी अंडे के भी इच्छुक है, तो देसी अंडा भी आप खा सकते हो। हमारे यहाँ राजस्थान में 40 से 50 रुपए का एक अंडा मिलता है, और सप्ताह में आप एक से दो या तीन अंडे, जैसी आपकी बॉडी यानी आपकी बॉडी जितनी आपकी कैपेसिटी है कि भाई मैं एक अंडा या डेली एक एक अंडा खा सकता हूँ, या सप्ताह में दो अंडा या एक अंडा, जैसे भी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अंडे खा सकते हो। मैं ये नहीं बताऊंगा आप डेली एक अंडा खाएं, देसी अंडा खासकर, देसी अंडे में क्या होती है, हीट होती है, गर्मी होती है, तो आप सप्ताह में दो या तीन अंडे बहुत होते हैं, मेरे हिसाब से दो अंडे बहुत है, या तीन अंडे भी खा सकते हो, जैसी आपकी बॉडी आपका सहन कर सकती है उस हिसाब से आप वो देसी अंडे भी सर्दियों में खासकर इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मी में क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट करता है, तो देसी अंडे का और जो नॉर्मल व्हाइट वाला अंडा आता है उसका आप इस्तेमाल करना। व्हाइट वाला अंडा तो कंटिन्यू आप सुबह शाम दोनों टाइम, या सुबह सुबह या दोपहर में जब भी आपको एक अंडा दो अंडा तीन अंडा जितने आप खा सकते हो उतना अंडा खाइए, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। थ्री पॉइंट है कि आपको काले चने, मूंग की दाल, सोयाबीन के बीज, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये चीजें आप खा सकते हो। खासकर चना, काले चने हैं, सोयाबीन के बीज हैं और मूंग है, हर जगह ऑल इंडिया सब जगह अवेलेबल हो जाता है, तो आप क्या करना, इनको रात को भिगो देने, रात को भिगोने के बाद में आप इसको सुबह दौड़ने के आधा एक घंटे बाद में खा सकते हो, आधा घंटा है 45 मिनट के बाद में, और अंकुरित करके खाते हो तो इनका जवाब मतलब इनकी ताकत डबल हो जाती है। अंकुरित करने के लिए कम से कम 24 घंटे चाहिए, मतलब 12 घंटे पहले इनको पानी भिगो दिया, 12 घंटे बाद में इनको निकाल के कपड़ा सूती कपड़े में आपको बांध के और लटका देना, अंकुरित हो जाएंगे, तो अंकुरित होने वाला और भी बेस्ट है, उसके लिए आपको 24 घंटा, और नॉर्मल आप खाना चाहते हो तो रात को भिगो दीजिए, सुबह रनिंग के आधा घंटा 45 मिनट के बाद में आप इसको आराम से इजीली खा सकते हो। कई बंदे अखरोट खा सकते हैं या बादाम खा सकते हैं, तो वो चीज भी आप खा सकते हो, यदि आपके पास आपके मदर फादर एफर्ट करते हैं कि भाई नहीं मैं पैसे दे दूंगा मेरे बच्चे को, तो काजू बादाम, खासकर बादाम भिगो के खाने, कच्चे खाने से क्या होता है गर्मी करता है, किशमिश भिगो के खाना है, किशमिश के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा किशमिश के कितने फायदे। अब इसमें आज मैंने एक चीज ऐड नहीं की है, दूध, दूध तो सदा बाहर है सबके लिए, इसके ऊपर स्पेशली एक मैं वीडियो बनाऊंगा दूध के ऊपर कि दूध के क्या क्या फायदे हैं, कैसे खाना कैसे नहीं खाना, पूरा मैं विस्तार से उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के जो मैंने पॉइंट बताया आप इनको ध्यान रखें, इन चीजों को रखो। वैसे खाने को तो और भी बहुत चीजें, हजारों चीज आप खा सकते हो, लेकिन मेन जो मध्यम परिवार का मेरे जैसे आर्मी वाले बंदे हैं या हम जैसे फौज में, हमारे को उस टाइम क्या मिलता था आज से 20 साल पहले, तो उस हिसाब से वो चीजें बताई जो आराम से आपको इजीली घर पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं एक और पॉइंट रह गया कि आपको क्या नहीं खाना है, तो मेरे भाई खासकर रनिंग करने वाले सुन लेना आप लोग, तली हुई चीजें, तली भुनी चीजें, इनसे आपको परहेज करें। जब तक आप रनिंग पास करके फौज में वर्दी नहीं पहन लेते, तली भुनी चीजों से परहेज करें। दूसरा मैं बताना चाहूंगा अचार, अचार यानी पिकल। कई मेरे भाई क्या अचार खा लेते हैं, उसमें तेल ज्यादा होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और जब रनिंग करते हो तो आपको यहाँ गले में खट्टी डकारें आती है और तेल वो यहाँ आता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या रनिंग में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप अचार वगैरह से परहेज करें। अचार के ज्यादा ही शौकीन है। जिस दिन आपका रेस्ट होता है, सप्ताह में एक या दो दिन आप रेस्ट करते होंगे, उस दिन आप अचार खा सकते हो। उसके बाद तेज मसालेदार खाना, मिर्ची डाल के भर 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 के आप मसाला डाल के, शौक होता है, मेरे को भी शौक है, आपको भी शायद कई भाइयों को शौक है, तो तेज तेज जो मसालेदार सब्जियां हैं उनसे आपको परहेज करना जब तक आप रनिंग कर रहे हो। नॉर्मल मिर्ची वगैरह खाना, धूम्रपान नहीं करना मेरे भाई, तो आप लोग जो धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इनसे थोड़ा परहेज रखें। अभी आपकी वो इतनी नहीं है, जब पैसे कमाने लग जाओ, फौज में सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगी, धूम्रपान की नहीं, बाकी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अभी वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, तो आपको हर फैसिलिटी मिलेगी फौज में, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद आप कई बंदे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बड़े शौकीन होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स से अच्छा मेरे हिसाब से आप जो जूस आता है, कई कंपनियों का जूस आता है अपने यहाँ, या आप गन्ने का जूस है, मौसमी का जूस है, अनार का जूस है, 10-20 रुपए का, वो पीजिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचें, जो ये मैंने बताया, या इन चीज़ों से आप बचोगे तो आपको रनिंग में फ़ायदा होगा,
और आपकी रनिंग सुधरेगी। कई बंदे मेहनत करते हैं लेकिन थक जाते हैं, मांसपेशियां दर्द करने लग जाती है, अगले दिन उठ नहीं पाते, तो उसका कारण यह भी होता है कि आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है। जब तक प्रॉपर डाइट नहीं होगी तब तक आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन घंटी को दबा दें जिससे मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपका दोस्त और भी आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।